आज हम पढ़ने वाले हैं सैंपलिंग मेथड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड्स। इस बारे में आज हमारा डिस्कशन होगी और टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंट प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स। इस हवाले से काइंडली आपने वीडियो को आराम से सुकून से सुनना है। अगर आप आज की वीडियो समझ आ गई देन लेटर वन इज मोर कन्वीनियंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सही, तो सबसे पहले आपके पास इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल टर्म्स, कुछ बेसिक टर्म जो सैंपलिंग में यूज होनी है वो आपको पता होनी चाहिए। एज यू नो कि सैंपलिंग में आपके पास पॉपुलेशन होती है और सैंपल। इन चैप्टर फर्स्ट वी विल डिस्कस पॉपुलेशन, अ सेट विच इंक्लूड ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर। वो तमाम मेजरमेंट्स, वो तमाम यूनिट जिसमें रिसर्चर का इंटरेस्ट हो उसे पॉपुलेशन बोलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिस्पॉन्स मेजरमेंट काउंट्स दैट आर ऑफ इंटरेस्ट, जिनमें हमारा इंटरेस्ट है। अगर यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल ऑफ आवर पॉपुलेशन। सही, तो जहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं वहाँ पर कितने स्टूडेंट, जितने इंडिविजुअल, जितने यूनिट मौजूद हैं दैट इज आवर पॉपुलेशन, और अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। सही, छोटा सा हिस्सा पॉपुलेशन का, छोटा सा हिस्सा उसे सैंपल बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर वाइट शेड में पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये रेड शेड में यहाँ पर सैंपल को रिप्रेजेंट किया हुआ है कि स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन दैट विल बी नोन एज अ सैंपल। और सैंपल के सेकंड डेफिनेशन है सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। सही, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया गया है, पॉपुलेशन एक बनाई गई है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि हमारे यहाँ जो डिफरेंट कलर हैं, शेड हैं, इनसे डिफरेंट नेचर ऑफ स्टूडेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। ये क्या है, हमारे पास पॉपुलेशन है जो पूरी यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ इंडिविजुअल पढ़ते हैं। और यहाँ पर आपने एक अच्छा सैंपल लेना है। अच्छा सैंपल कौन सा होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव हो अपनी पॉपुलेशन का। सही है, आर रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पर आपके पास है डिफरेंट तरह के नेचर के स्टूडेंट है। अगर हम सारे ब्लैक कलर वाले सिलेक्ट कर लें और दूसरे कलर छोड़ दें, या येलो वाले सारे सिलेक्ट कर लें और रिमेनिंग छोड़ दें, देन दैट इज नॉट अ एक्यूरेट सैंपल। आपके पास वो सैंपल बेहतर होता है जिसमें हर कलर, हर नेचर और या हर एज ग्रुप के स्टूडेंट की कंट्रीब्यूशन हो, दैट सैंपल इज मोर रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऐसा सैंपल जिसमें हर नेचर के स्टूडेंट हो। यहाँ पर ऑब्जर्व करें ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। यहाँ पर आपके पास हर नेचर, हर कलर के स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। कुछ कम तादाद में है, कुछ ज्यादा तादाद में है, बट उनकी इनपुट यहाँ सैंपल में मौजूद है। तो अच्छा सैंपल वही होता है जिसमें हर टाइप का बंदा मौजूद हो। सही, अब हमारे पास वाई सैंपलिंग, हम सैंपलिंग क्यों करते हैं, वाई वी नीड सैंपलिंग। द बेसिक और जो मेन बेनिफिट है सैंपलिंग का, गेट इंफॉर्मेशन अबाउट लार्ज पॉपुलेशन। सही, यहाँ पर हम लार्ज पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं एट किस बिना पर, लेस कॉस्ट, थोड़ा खर्चा आता है, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, ज्यादा अच्छे और एक्यूरेट रिजल्ट हासिल होते हैं। सही है, और क्यों ना कि हमारे पास यहाँ पर थोड़ी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो डेटा है, या हमारे पास जो यहाँ पर डेटा हैंडलिंग है वो आसान होती है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा एक्यूरेट आते हैं। व्हेन इट्स इम्पॉसिबल टू स्टडी द होल पॉपुलेशन, आई अर्ली डिफाइन इन आवर फर्स्ट लेक्चर कि जब आपके पास पॉपुलेशन को, पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना इम्पॉसिबल हो, जैसे ब्लड टेस्ट है, ब्लड टेस्ट में आपके पास पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना इम्पॉसिबल है,
ये नहीं है कि हम पूरा ब्लड निकालने बंदे में से और वो उस पर्सन की डेथ हो जाए, तो इन दिस सिचुएशन यू हैव टू डू समथिंग। अगर आपने साल्ट लेवल चेक करना है सी में, तो देन यू हैव टू अगेन डू सैंपल स्टडी, एंड इफ यू हैव टू मेजर द लेवल ऑफ टेस्ट ऑफ टी, अगर आप चाय बना रहे हैं क्या आपने टेस्ट चेक करना है कि आज चाय किस तरह की बनी है, तो यू हैव टू टेक अ सैंपल एंड यू डिसाइड टी इज गुड और नॉट। तो यहाँ पर और कुछ बेसिक बेसिक सी डेफिनेशंस हैं। टारगेट पॉपुलेशन एट होती है, पॉपुलेशन एट है टारगेट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वो तमाम इंडिविजुअल जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, दैट इज आवर टारगेट पॉपुलेशन, सही, या वहाँ पर काम कर रहे हैं वो, जहाँ जो यूनिवर्सिटी में हमें बंदे नजर आते हैं, दैट इज आवर पॉपुलेशन। हमारा टारगेट है स्टूडेंट, तो जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं दैट इज आवर टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन वो इंडिविजुअल्स या वो पर्सन या वो यूनिट्स जिनसे हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, सही है। पॉपुलेशन में वो तमाम बंदे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी आ जाता है, पीएन भी, चौकीदार भी, स्टूडेंट भी, सारे आ जाएंगे, सही है। पॉपुलेशन में पॉपुलेशन वो तमाम बंदे जो यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, और टारगेट पॉपुलेशन में वो तमाम पर्सन जिनसे हमने इंफॉर्मेशन लेनी है। आपने इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से लेनी है, तो स्टूडेंट इज योर टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट द पॉपुलेशन टू बी स्टडी टू विच द इन्वेस्टिगेटर वांट टू जर्नलाइज द रिजल्ट, यानी जहाँ से वो रिजल्ट हासिल करके उनको जर्नलाइज करना चाह रहा है। अच्छा, सैंपलिंग यूनिट क्या? अब नेक्स्ट डेफिनेशन है सैंपलिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रॉम विच सैंपल कैन बी सिलेक्टेड। तो यहाँ पर आपके पास है सैंपल यूनिट फ्रॉम विच द सैंपल कैन बी सिलेक्टेड, वो छोटा पार्ट या वो स्टूडेंट जिससे हमने इंफॉर्मेशन सिलेक्ट की है, वो है हमारा सैंपलिंग यूनिट जो आपके सैंपल में सिलेक्ट हुआ और उससे आपने इंफॉर्मेशन हासिल की। एंड नेक्स्ट है सैंपल फ्रेम, लिस्ट ऑफ ऑल द सैंपलिंग यूनिट फ्रॉम व्हिच सैंपल इज ड्रॉन। वो तमाम, वो पूरी लिस्ट, वो पूरा एक लेआउट जिससे आपने सैंपल सिलेक्ट किया है। यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सिटी की हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो सैंपल फ्रेम हमारे पास है वो रजिस्ट्रेशन डायरेक्टरी, सही है, जिस पर हर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट है, सही, वो डायरेक्टरी जो है वो है हमारे पास सैंपल फ्रेम। तो जो डायरेक्टरी है वो हमें सैंपल सिलेक्ट करने में मदद फ्राहम करेगी। और इसी तरह अगर आप डेली लाइफ में लेना चाहें तो वोटर लिस्ट जिस ऐसी लिस्ट जिस पर सैंपल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मौजूद हो, अगर हमने किसी सोसाइटी से सैंपल लेना चाह रहे हैं तो वहां पर वोटर लिस्ट इज आवर सैंपल फ्रेम, या टेलीफोन डायरेक्टरी इज आवर सैंपल फ्रेम, सही। और इसी तरह नादरा के ऑफिस से भी जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो हमें लिस्ट मिलती है आईडी कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन, दैट इज आवर सैंपल फ्रेम। तो लिस्ट ऑफ ऑल द सैंपल यूनिट फ्रॉम व्हिच अ सैंपल इज ड्रॉन इज सैंपल स्क्रीन। नेक्स्ट है सैंपल स्क्रीन, सैंपल स्क्रीन उस मेथड का नाम, उस प्रोसीजर का नाम जिसके जरिए आप सैंपल सिलेक्ट करते हैं, कहाँ से, सैंपल फ्रेम में से। एक ऐसे प्रोसीजर, एक ऐसे मेथड का नाम जिसके जरिए यू विल बी सिलेक्ट योर सैंपल फ्रॉम द सैंपल फ्रेम। तो अब हमारे पास है कुछ टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। फर्स्ट टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, एंड नेक्स्ट वन है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो इन दोनों को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। पहले मैं थोड़ा सा हाउ नो आपको बता दूं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज ए टेक्निक जिसमें हर यूनिट के आने का चांस सेम नहीं होता, कोई यूनिट आ जाएगा, किसी यूनिट के सिलेक्ट होने के चांस हैं, किसी यूनिट के सिलेक्ट होने का चांस जीरो है, सही। और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ऐसी सैंपलिंग है जहाँ पर हर यूनिट के सैंपल में सेलेक्ट होने का कुछ ना कुछ चांस मौजूद है, दैट विल बी नोन एज अ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये हमने अभी डिस्कस करनी है। सबसे पहले आपके पास है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, आज हम डिस्कस करेंगे, और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सबसे पास है कन्वीनियंट सैंपलिंग। कन्वीनियंट सैंपलिंग है, कन्वीनियंस लफ्ज से भी जाहिर है,
जो आसानी से इजीली हासिल हो जाए। ऐसा ऐसे यूनिट जो आपको टू द हार्ट इंफॉर्मेशन दे दे, या जिन तक आपकी रसाई आसानी से हो जाए। सही कन्वीनियंस जो आसानी से इजीली अवेलेबल हो, दैट विल बी, और जो आपके स्टडी में सिलेक्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैंपल। और सैंपल इज सिलेक्टेड फ्रॉम एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन दैट आर इजीली एक्सेसिबल, जो आसानी से मुयसर हो। स्नोबॉल सैंपलिंग ये ऐसी सैंपलिंग टेक्निक है जो के फर्स्ट यूनिट आपको तो मिला, सेकंड यूनिट आपकी इंफॉर्मेशन फर्स्ट यूनिट बताएगा। जैसे कि आप हमें फ्रेंड टू फ्रेंड मूवमेंट है, सही। यहाँ जैसे आप फर्स्ट यूनिट आपने स्टूडेंट सेलेक्ट किया, वो कहते हैं कि आप मेरे फ्रेंड से इंफॉर्मेशन ले लें, वो फलां रूम में बैठा है। वो कहते हैं मेरे और फ्रेंड से इंफॉर्मेशन ले लें, वो फलां रूम में बैठा है। स्नोबॉल सैंपलिंग आपके पास उस सूरत में यूज होती है जब आपके पॉपुलेशन में रेयर यूनिट, यानी कि उस तरह के यूनिट कम मौजूद हो। जैसे हमारे पास कैंसर के पेशेंट के बारे में अगर आप डाटा लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास यू हैव टू डन स्नोबॉल सैंपलिंग, यानी कि वो पेशेंट फर्स्ट पेशेंट आपको मिला, आपने उससे पूछा कि अगला पेशेंट हमें कहाँ मिलेगा। वो कहते हैं कि आपका अगला पेशेंट चिन्नौड़ या लाहौर में मिलेगा, तो यू मूव टू लाहौर। और लाहौर वाले से पूछते हैं कि आपको किसी और पेशेंट के बारे में पता है, तो आप मूव टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्टेज, तो नेक्स्ट पेशेंट। तो ना कि जो पेशेंट है उनका आपस में हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक में इंटरेक्शन हुआ होता है, इसलिए उनका उनके लोकेशन का पता होता है, इसलिए वो अब नेक्स्ट यूनिट के बारे में बता देते हैं, आपकी गाइडनेस कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड स्नोबॉल सैंपलिंग। परपसिव सैंपलिंग, यू चूज हु यू थिंक शुड बी इन द स्टडी। परपस सैंपलिंग बेसिकली एक जजमेंट सैंपलिंग होती है। यहाँ पर आपके पास आप अपनी मर्जी से पर्सन सेलेक्ट करते हैं। अगर आप ये जांचना चाह रहे हैं कि किसी शॉपिंग मॉल में महंगाई का लेवल किस तरह का है, तो वहाँ पर आप सैंपल सेलेक्ट करेंगे जजमेंट के बेस पर। ऐसे पर्सन या ऐसे कस्टमर्स जिनके हाथ में शॉपिंग बैग हो, वो उनसे आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, ये जजमेंट के बिना पर। जैसे इनके हाथ में शॉपिंग बैग है, इसलिए इसने यहाँ से शॉपिंग की है, मतलब ये। और बहुत मेरे जैसे आप जैसे होंगे जो वैसे ही विंडो शॉपिंग के लिए गए होंगे, आपने उनसे इंफॉर्मेशन नहीं लेनी, क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ बाई ही नहीं की, इसलिए उन्हें उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। जजमेंट, अपने पर्सनल जजमेंट के बिना पर यू हैव टू डिसाइड कि मैंने किससे सैंपल लेना है, जिनके हाथ में शॉपिंग बैग हो या कि इस तरह की कोई डिफरेंट चीज हो जिससे पता आपको अंदाजा हो कि इसने इस शॉपिंग मॉल से शॉपिंग किया है और मुझे इससे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। अच्छा, कोटा सैंपलिंग, व्हाट इज कोटा सैंपलिंग? कोटा सैंपलिंग एज यू नो कि आपके पास यहाँ पर प्री डिफाइंड नंबर होता है, कि यहाँ पर आपके पास प्री डिफाइंड नंबर होता है कि जो है आपने उतने यूनिट लाजमी सेलेक्ट करने हैं। अंटिल यू सेलेक्ट योर यूनिट, तो आपने उतने यूनिट लाजमी सेलेक्ट करने हैं। अगर लेट्स सपोज मैंने कहा कि 50 मेल सेलेक्ट करने हैं और 10 फीमेल सेलेक्ट करनी है, तो 50 मेल अगर आपको मिल जाए फर्स्ट टाइम ही और 10 फीमेल ना मिले, तो आपने जितनी देर 10 फीमेल नहीं मिलती उतनी देर नंबर यूनिट सेलेक्ट करते जाना है, यूनिट मैयर करते जाना है। 50 बंदे मेल सेलेक्ट हो गए, जितनी देर वो 10 ना मिले उतनी देर वो 10 लाजमी वो नंबर पूरा करना है। सही, दैट इज कॉल्ड कोटा सैंपलिंग। और हियर वी हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ ऑल दीज प्रोसीजर्स। कन्वीनियंट सैंपलिंग के बारे में भी है, जजमेंट सैंपलिंग के बारे में भी है, और कोटा सैंपलिंग के बारे में भी है। सही, कोटा सैंपलिंग के बारे में आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं। दिस इज एन नॉन प्रोबेबिलिटी इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। ये नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक है जो कि प्रोबेबिलिटी में स्ट्रेटिफाइड के हवाले से जानी जाती है। और यहाँ पर आपने जो डिफाइंड डिजिट है वो पूरे करने लाजमी होते हैं। फाइव फीमेल लेनी है तो फाइव फीमेल ही सिलेक्ट होंगी, और जितनी देर वो फाइव फीमेल सिलेक्ट ना हो उतनी देर आपने सैम्पलिंग करते जाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीज़ों को भी मज़ीद डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, बाय।